डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव सोमवार को झुंझुनू दौरे पर है। यहां उन्होंने नवलगढ़ कस्बे में लगाए गए कर्फ्यू का जायजा लिया, साथ ही डुंडलोद में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर भी गए। उन्होंने क्वारंटाइन में भर्ती किए गए लोगों से बातचीत की, वहीं कर्फ्यू प्रभावित एरिया में जवानों से भी समस्याएं जानी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति काफी ठीक है, लोग अच्छा साथ दे रहे हैं, फिर भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस हिचकिचाएगी नहीं। इंतजाम देखने आया था, इंतजाम काम तो सब स्थानीय अधिकारी कर रहे हैं, और तो अपने जवानों का हौसला बढ़ाना, उनको समस्याएं तो नहीं है, कर्फ्यू का एनफोर्समेंट कैसा हो रहा है, जो क्वारंटाइन में लोग हैं उनकी केयर कैसी है, वो कैसे हैं, तो सामान्य जायजा लेने आया, कोई मुश्किलें दिक्कतें हैं तो वो दूर कर दें। इसीलिए अधिकांश जगह लोग पालना कर रहे हैं, कई इतना बड़ा समुदाय है, इतना बड़ा लोग हैं, संख्या इतनी बड़ी है हमारी, तो इक्का दुक्का केस कुछ हो जाते हैं, बट मेरे ख्याल से कुल मिलाकर